बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्रेडिबल और टैलेंटेड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी आजकल पूरी तरीके से बॉलीवुड के मार्केट को हॉट बनाए हुए है। जिस तरीके से इसका रेड कारपेट प्रीमियर हुआ उसे देखकर लोग चौंक गए हैं। लोगों को हॉलीवुड के रेड कारपेट की याद आ गई जहाँ पर एकेडमी अवार्ड में बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं। यहाँ तक कि सलमान खान अपनी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पहुँच गए, जिसकी उम्मीद किसी ने की नहीं थी। बिकॉज सलमान खान के ऊपर आजकल हमले वाली बात चल रही है, सलमान खान को अंडरग्राउंड रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में सलमान खान का इतने बड़े इवेंट में इतनी पब्लिक भीड़ में पहुंचना, ये संजय का मैजिक है, या कह लीजिए भंसाली की सलमान खान के साथ बॉन्डिंग है। बहरहाल सलमान खान ने पूरी महफिल लूटी और बहुत नामी सितारे नजर आए, बट एक घटना कुछ ऐसी हुई जिस पर सबका ध्यान गया और इस अकेली घटना ने ऋतिक रोशन को भी शर्मसार कर दिया। क्या है पूरा माजरा, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली हीरा मंडी के रेड कारपेट में प्रीमियर में कई सितारे आए, सबने बहुत ही अलादा अतरंगी ड्रेस पहन रखी थी। किसी की ड्रेस बहुत ही वेस्टर्न थी, किसी की इंडियन, लेकिन ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान भी अपने बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ पहुंची थी हीरा मंडी की स्क्रीनिंग को अटेंड करने। बस यहीं पर हो गया कांड, बिकॉज उन्होंने जो भी ड्रेस पहनी थी ब्लैक कलर की, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लेंथ की थी। ऐसे में पीछे से हवा चली, उन्होंने काले रंग की जो वन साइड शोल्डर टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी थी वो हवा में उड़ने लग गई। जाहिर सी बात है पेपराजी को उस मोमेंट का मौका मिल गया और वहां पर हूटिंग स्टार्ट हो गई। ऐसे में सुजैन खान ने किसी तरीके से हाथ रखकर अपनी इज्जत बचाई, लेकिन माहौल की नजाकत को समझते हुए उन्होंने फोटोशूट करने से इनकार कर दिया और हाथ पीछे रखते हुए अपनी इज्जत बचाते हुए आगे चली गई। इस घटना से उनके बॉयफ्रेंड भी अनकंफर्टेबल होते दिखे और उन्होंने भी उनको सपोर्ट करते हुए फोटोशूट को कैंसिल कर दिया। बहरहाल ये बात सोशल मीडिया पर कई तरीके से फैल गई, उस मोमेंट के बहुत सारे रील बन गए, मीम्स बन गए, ऋतिक को लेकर भी काफी मजाक उड़ा और आखिर में यही बात लबोलवाब बनकर सामने आई कि अगर आप वो ड्रेस पहने जो कम्फर्टेबल है तो बेटर रहेगा, वरना अगर पब्लिक प्लेस पर आप हाथ लगाकर ड्रेस कवर करेंगे या फिर अपने अंग छुपाएंगे या फिर अनकंफर्टेबल होंगे तब तो पब्लिक मजाक उड़ाएगी। जाहिर सी बात है डिवोर्स के बाद सुजैन खान थोड़ी बोल्ड हो गई हैं, जिस तरीके के इवेंट में जाती हैं, होटल रेस्टोरेंट से बाहर आती हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में या हमें कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। इसके बावजूद पब्लिक ह्यूमिलेशन जो है उनका मैरिज के डिवोर्स के बाद बढ़ा है, वरना उससे पहले ऋतिक के साथ उनकी जो भी ग्रेसफुल अटेंडेंस होती थी बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होती थी, कोई भी उस मोमेंट का मसला नहीं बनता था।